सा करेंगे हम, डबल मतलब 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 36 का डबल ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 72 72 इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास 70 प्लस 72 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 142। तो यहां से आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जो है वो आंसर इसमें हो जाएगा। क्लियर होगी बात सभी को? आप देखिए इसी क्वेश्चन को करने के आपके पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखो फर्स्ट मेथड इसमें और भी लग सकता है, कौन सा, जैसे आपने किया 7 into 2 कितना हो गया 14, 14 में आप जब 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आ जाता है वो 16 आ जाता है। इसी तरह सेकेंड नंबर को देखिए, 16 into 2 करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आ जाता है वो 32, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। पता लग रहा है सभी को? यस सर। ये देखिए आपके पास नेक्स्ट हमारा नंबर जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए हमारा 34, सॉरी यहाँ पे 34 आएगा। 34 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 68 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारा 70 आ गया, और 70 into 2 करेंगे तो हमारा 140 आ गया, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 142। इस मेथड से भी आपके पास रिजल्ट जो कितना आ रहा है 142। अब देखिए इसी मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास एक और मेथड हो सकता है। कौन सा मेथड हो सकता है, मान लो आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप जो है क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे, 7 में आपने 1 ऐड किया और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो नंबर आ गया 7 plus 1 8 into 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसी तरह 16 plus 1 करेंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 17 72 the 34। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस 34 में से 1 ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 to the 70। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम 70 plus 1 कर देंगे अपॉन इनटू में 2 कर देंगे तो 71 into 2 हमारा कितना हो जाएगा 142। अब डिपेंड करता है कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है वो किस मेथड से जो है वो सॉल्व करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है, आप जो मर्जी मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। चलिए अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन सेकंड जो है वो क्या है। अब देखिए क्वेश्चन अल्फाबेट से आ गया आपको। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक सीरीज दी है उसमें आपने जो है वो क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो कौन सा नंबर आएगा ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उनका फर्स्ट नंबर से फर्स्ट नंबर मैच करके देखना है, आपने सेकेंड नंबर से सेकेंड नंबर जो मैच करना है तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया जो है वो मिल जाएगा। देखिए पहले हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर को मैच करते हैं तो M, M के बाद क्या आता है N, M के बाद N आता है, N के बाद क्या आता है O, O के बाद क्या आता है P। इट मीन्स हमारा जो लेफ्ट लास्ट इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह फर्स्ट क्वेश्चन जो लेटर आएगा वो कौन सा आएगा, P के बाद क्या आता है Q, Q। अब देखिए सेकंड लेटर को देखते हैं P और P के बाद Q आता है, Q के बाद आता है R। समझ आ रही है बात? यस सर। Yes, अब देखिए R के बाद जो है वो क्या आता है, क्या आता है R के बाद, S आता है, R के बाद आता है S और S के बाद आता है T। इट मींस यहाँ पे S जो है इन्होंने छोड़ा हुआ है। इसी तरह S के बाद हमारे पास आता है T, के बाद आता है U, U के बाद आता है B। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो B के बाद जो है वो क्या आता है, क्या आता है B के बाद, W, W आता है, लेकिन W हमने छोड़ देना है और हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा Q के बाद X। इतना क्लियर हो गया सभी को? Yes। अब देखिए थर्ड नंबर हमारा Z है, C है, F है और I है। अब देखिए Z से हम जब C की तरफ चलेंगे तो हमारा बीच में आ जाता है A और
बी। समझ आ रही है बात? यस सर। सी से जब हम पीछे की तरफ चलेंगे तो सी के बाद क्या आता है, डी और ई, दो लेटर आते हैं, फिर एफ आ गया। एफ के बाद क्या आएगा, जी और एच, फिर आ गया आई। आई के बाद दो लेटर आएंगे, कौन कौन से, जे और के। लेकिन हमें दो लेटर छोड़ के अगला नंबर लिखना है, तो अगला नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, एल। एल तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू एक्स और एल। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। इसी तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपने ये वाला पर्टिकुलर मेथड जो है वो यूज करना है। क्लियर हो गई बात इतनी? यस सर। चलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे आपके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर थ्री है आपके पास। क्या बोलता है कि आपको एक सीरीज दी है और उसमें हमने नेक्स्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सीरीज में हम कैसे जो है वो नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आपको जो जो चीजें दे रखी है, आपको ए दिया है, आपको बी दिया है, सी दिया है, उसके बाद क्या दिया है, ई दिया है, एच दिया है और एम दिया है। अब देखिए हमारे पास ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है, नो डिफरेंस है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे आपको, अच्छा नंबरिंग ही देख लेते हैं एक बार, सिर्फ नंबर बताना है मुझे। ए की पोजीशन कितनी होती है, 1। बी की कितनी होती है, 2। 3 की कितनी होती है पोजीशन, 3। सी की 3 होती है। इसके बाद देखिए ई की कितनी होती है, एजोटी से देख लीजिए, 5। एच के लिए मैंने आपको बताया था, एम के लिए भी अभी हमने बताया कितना होता है, 13। M के लिए बताइए, 13। वेरी गुड, 13 आ जाता है। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे, देखो फर्स्ट नंबर है, इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट को एज इट इज रहने दीजिए। इसके बाद सेकंड नंबर है, जब हमारा थर्ड नंबर आता है तो फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करते हैं तो 3 आप सी आपका थर्ड आ जाता है। इसी तरह हम क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड, सेकंड प्लस थर्ड करेंगे तो हमारा फिफ्थ नंबर आ जाता है जो कि हमारे पास क्या है, ई। इसी तरह हम क्या करेंगे, 3 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास 8th नंबर आ जाता है, which is also present here 8। अब हम क्या करेंगे, इस 8 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर मिल रहा है which is 13। 13 भी हमें दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा तो हमें ये दो नंबर जो अब ऐड करने पड़ेंगे। समझ आई बात? Yes sir। इसमें 8 में हम जब 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा, 21st। जल्दी से बताइए मुझे कि 21 नंबर पे जो है वो इनमें से कौन सा लेटर आता है, यू। हमने एजोटी से पढ़ा है तो हम वहां पे देखते थे कि हमारा क्या आता है, टी के, टी आता है 20 और 21st पे टी के बाद कौन सा नंबर आता है, यू। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज यू। क्लियर होगी बात इतनी? यस सर। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे सभी? यस सर। मैं स्पीड इसलिए करवा रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास और मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो इन्हीं क्लासेस में हो जाए अच्छे से, ताकि आपको जो है वो और थोड़ी बहुत मेहनत आप खुद करोगे तो आप इजिली जो है वो सारी चीजें कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन मार्क की जगह एक लेटर मिस है उसको फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट मैं इसी को कर देता हूँ। देखो ए के बाद जो बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है और डी के बाद ई आता है, एक रेगुलर सीरीज है। अब देखिए जे और के बाद क्या आता है, एल। सेकंड के साथ सेकंड देखना है, एल के बाद एम आता है तो एम के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो क्लियर होगी बात, यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है आपको, एन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलें आगे।
यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया आपको, इसमें आपने क्या करना है, जो आपका खाली जगह है वहां पे कौन सा नंबर है वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए एल के लिए मैंने आपको पहले तो इसको देख लेते हैं कि इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, एल के आई एफ बी, और साथ साथ में आप लोग भी करेंगे इसको सॉल्व आउट, ताकि आपको भी पता चलता जाए कि कैसे जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो हमने प्लेस वैल्यू पढ़ी थी, ये मैंने क्या बोला था एल के लिए जिसमें 12 आता है तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कितनी हो जाएगी एल के लिए 12। के लिए हमने अभी पढ़ी किंग्स 11 पंजाब, याद आ रहा है सभी को? यस अभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। देखो आपके पास आई के लिए क्या हो जाएगा, आई लव माय इंडिया, याद करो। एफ के लिए बताओ जल्दी से, एफ को उल्टा करके लिखा था तो क्या आ जाता था? सिक्स। बी को हमने देखा तो बी तो सभी को पता है क्या है, इसकी वैल्यू 2 है, और इसको मैंने डब्ल्यू और एम को अच्छी तरह से बताया था, तो डब्ल्यू की कितनी हो जाएगी 23। अब देखिए क्या होता है, 12 से जब हम पीछे 11 की तरफ जा रहे हैं तो -1 किया, इसके बाद 11 से 9 करेंगे तो हमारे पास -2 किया, आप 6 से 3 जाएंगे तो -3 किया, 6 से 2 जाएंगे तो -4 किया, अब हमारे पास 2 से अब हम कहाँ जाएंगे 23 की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे -5 करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा इसमें हम क्या करेंगे 23 से माइनस करेंगे कितना 27। 6। तो 23 से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा 17। वेरी गुड, आपके पास 17। तो जल्दी से बताओ मुझे अब 17 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा इन चारों में से? क्यू। वेरी गुड, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा क्यू, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रही है चीजें, इसमें पीछे की तरफ चलना है हमने, समझ आ रही है बात? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 105, 124, 11, 1330 और 7, 17। इसके बाद मेरा नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कुछ जुगाड़ लगाएंगे, तो पहले हम इसको ऐड करके देखते, तो 0, 1 और 0 कोई सेंस नहीं बन रही है, उसके बाद 5 और 124, इसमें हमारी थोड़ी थोड़ी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125 के अराउंड, तो इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रिक्स का यूज आ जाता है कि हम क्या करेंगे 1 का क्यूब लेंगे और उसमें से -1 करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट नंबर का जब हम क्यूब करेंगे, क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर को 3 बार जो गुना करके जो वैल्यू आती है उसको हम क्यूब बोल देते हैं, तो इसमें से हम इसका क्यूब लेंगे और -1 करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, तो 1 - 1 = 0 सेकेंड नंबर आ रहा है। इसी तरह 5 का क्यूब लेंगे और माइनस हम नेक्स्ट नंबर करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास अगला वाला नंबर जो वो मिल रहा है, -1 करना है इसमें, 5 का क्यूब लेना है और -1, तो हमारे पास 124, 5 - 1 करेंगे तो अगला नंबर आ रहा है आया 124। इसी तरह 11 का क्यूब लेंगे और -1 करेंगे तो 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331 के बराबर, इसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1330। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. अब देखिए इसी चीज को आप लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हमारे पास नेक्स्ट हमें करना होगा 17 × 17 × 17।
अब इसको हम पूरे को सॉल्व आउट नहीं करके हम सिर्फ यूनिट डिजिट को ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाद में तो हमने माइनस वन ही करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम जो जब सेव होगा आपका तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 7 49 हो जाएगा, इंटू में 7 करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसमें से यूनिट डिजिट में ही यूनिट लेंगे, 9 × 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 63। इट मींस लास्ट में हमारा क्या रहा है 3, इसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट आ जाएगा वो आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हम चारों ऑप्शन में आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट 2 ओनली यहाँ पे है, तो आपका आंसर जो है वो ये करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे इसको जब सॉल्व आउट करेंगे क्यूब निकालेंगे इसका, तो इसका क्यूब आ जाएगा 140 या फिर 4913 के बराबर। जब इसको हम क्यूब निकालेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 4912 यही वैल्यू जो है वो आ जाएगी। क्लियर है सभी को? यस सर। यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट करके भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से जो है वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनको समझ नहीं आएगा वो रिकॉर्डिंग देख सकता है या फिर इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन।